नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। असाधारण समर्पण और रणनीतिक योजना का प्रदर्शन करते हुए सीमापुरी और गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशनों के पुलिस कर्मियों ने अलग अलग मामलों में 3 फरार घोषित अपराधियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। लंबित वारंट वाले व्यक्तियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत गिरफ्तारियाँ की गई। ASI अनिल कुमार के नेतृत्व में और HC चंदन, HC सचिन कुमार, HC शैलेंद्र, HC सचिन राणा और सिटी अक्षय तोमर की एक विशेष टीम का गठन SHO सीमापुरी की देखरेख में किया गया था। कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी पर करते हुए टीम ने एक गुप्त ठिकाने पर सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध छापेमारी की, जिसके परिणाम स्वरूप सुखबीर गिरी, उम्र 37 वर्ष, पुत्र कांची और निवासी ग्राम दारापुर, थाना अहमदगढ़, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। उनके गिरफ्तारी के बाद सुखबीर गिरी को 14 अगस्त 2023 को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत हिरासत में लिया गया। अपराधी को आगे की कार्रवाई के लिए उपयुक्त अधिकारियों को सौंप दिया गया। ASI अनिल कुमार के नेतृत्व में उसी कुशल टीम ने उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के ग्राम उजानी निवासी मल्लू के 35 वर्षीय पुत्र हासिम को सफलतापूर्वक पकड़कर एक बार फिर अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। यह ऑपरेशन जिसमें HC चंदन, HC सचिन कुमार, HC शैलेंद्र, HC सचिन राणा और सिटी अक्षय तोमर भी शामिल थे, गुप्त जानकारी पर आधारित था, जिसके कारण फरार अपराधी के गुप्त ठिकाने पर छापा मारा गया। हासिम को 17 अगस्त 2023 को हिरासत में ले लिया गया, जिससे कानून को बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमापुरी पुलिस स्टेशन की प्रतिबद्धता और भी मजबूत हो गई। सफल आशंकाओं के सिलसिले को जारी रखते हुए PS गीता कॉलोनी से ASI राजेश्वर राव, HC नरेंद्र और HC रिंकू सिंह की एक समर्पित टीम ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप लाल सिंह, जिसे कुकी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी गिरफ्तारी हुई। उम्र 52 वर्ष और स्वर्गीय श्री के पुत्र पूरन सिंह लाल सिंह उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना मैनाठेर के गाँव सुंदरपुर के रहने वाले थे। गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए गीता कॉलोनी टीम ने भगोड़े के छिपे हुए स्थान पर छापेमारी की, जिसके परिणाम स्वरूप लाल सिंह की गिरफ्तारी हुई। ये सफल ऑपरेशन शाहदरा जिले में फरार घोषित अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए पुलिस कर्मियों के अटूट समर्पण को उजागर करते हैं। इसमें शामिल टीमों के सामूहिक प्रयासों से इन व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिससे क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून प्रवर्तन की प्रतिबद्धता मजबूत हुई है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।